शुरुआत हो चुकी है, बहुत पहले हो गई थी दिन की शुरुआत, तो अब तो लगभग क्या हो रहा है, लगभग तीन साढ़े तीन का टाइम हो रहा है। आज वीडियो अभी शुरू कर रही हूँ मैं। मैं सोच रही थी कि डिलीवरी आ जाए। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था कि मेरे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आने वाली है, तो डिलीवरी आई, मैंने तभी वीडियो शुरू करी। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूंगी मैंने क्या मंगाया अपने लिए नवरात्रों में पहनने के लिए। तो डिलीवरी आ चुकी है, जस्ट अभी लिया मैंने, अपना सब वीडियो शुरू कर देनी चाहिए। तो दिखा दो, दिखाई देती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स। दो कुर्ती मंगाई है मैंने और आ चुकी है मीशो से मंगाई थी। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने अपने पहनने के लिए मंगाई है और मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं प्रोडक्ट का कोड आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी है क्योंकि इतनी महंगी नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिली थी और अच्छी भी है। अभी क्वालिटी को देखने के बाद पता चलेगा कैसी क्वालिटी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो दिखा देती हूँ और चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया पैकेज अपना, जस्ट अभी करूँगी आप लोगों के लिए सामने। तो एक तो ये वाली कुर्ती है, ओपन करके दिखा देती हूँ। येलो कलर है ना, मैंने कभी पहना नहीं, मतलब पता नहीं क्यों मुझे पसंद भी ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, लेकिन कभी मैंने पहना नहीं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से कुर्ती है, इसका नेक पे ये डिजाइन आएगा और स्लीव्स पर भी ये डिजाइन आएगा और बॉटम है, बॉटम ये मतलब इसका जो नीचे का पल्ला है वो प्लेन है। बाकी ये है कुर्ती, यहाँ पे ये टैसल्स है और बॉडी लगा रखी है, बहुत मुझे अच्छी लग रही है, काफी प्यारी है, मतलब सिंपल सी। मुझे सिंपल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है। आप लोग भी सोचते होंगे कि वीडियो में मोस्टली मैं वही कपड़े पहनती हूँ, तीन चार जोड़ी कपड़े, लेकिन क्या करूँ, मुझे गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि मुझे जिन कपड़ों में कम्फर्टेबल फील होता है मैं वो तीन कपड़े पहन लेती हूँ बार बार रिपीट में। हाँ मार्केट वगैरह जाना होता तो फिर मैं हर बार कुछ अलग पहन के जाती हूँ, ऐसा नहीं है कपड़े नहीं है मेरे पास, लेकिन मन नहीं करता इतनी गर्मी में कौन पहने। अब मौसम ठीक होता चला जाएगा तो फिर कपड़े भी मैं शुरू कर दूंगी। और तो ये है कुर्ती, येलो कलर है इसका। कपड़े की क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग कपड़े की क्वालिटी ठीक है और अच्छी बात यह है कि इंटरलॉक है कुर्ती, पूरी की पूरी इंटरलॉक है, तो ये भी अच्छी बात है। और कपड़ा भी ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा कपड़ा है, मुझे अच्छी लगी। तो सेटिंग खोल लेती हूँ, कैसी लगी? सेटिंग है ये पर्पल कलर, इस बार मैं ऐसे कलर ट्राई कर दूँ जो मैंने पहने नहीं है, मैं पीला नहीं करना ना कभी भी और ना यू करना है ना, तो मैं ऐसे कलर ट्राई कर दूँ तो जो यूनिक है ना है ट्राई करना चाहिए। तो ये है ये मुझे लग रहा है उन्होंने तो साइज जो है दूसरा डिलीवर किया मुझे, मैंने जो साइज मंगाया था वो है ही है। हाँ कपड़ा जो है वो कॉटन है, घुटने वाला कपड़ा है, धुल धुल के घुटेगा ऐसा कपड़ा है, वर्क अच्छा है, सिंपल सी होती है ये भी, ये देख सकते हैं आप पूरे पे फ्लावर्स बने हुए हैं और ये जो है ना ये धागों से काम किया गया है, प्रिंट नहीं है, वर्क है। और ये है पर्पल कलर की कुर्ती, तो अच्छी लग रही है, अच्छी कुर्ती है, लेकिन साइज की प्रॉब्लम है, ये साइज मेरा नहीं है, मुझे ये
चेंज करनी पड़ेगी। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा मेरे साथ, मैं मोस्टली शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ और मीशो पर करती हूँ, पता नहीं मेरे साथ ये तीसरी बार हो रहा है शायद। और इस वाली कुर्ती में आपको इंटरलॉक नहीं मिलेगा, ये इंटरलॉक नहीं है। और सिलाई भी ऐसी कुछ खास नहीं है, ढीली ढीली सी सिलाई है। अच्छा होगा अगर आप लेते हैं तो एक बार जो है मशीन से खुद सिलाई लगा लीजिए या टेलर से लगवा लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी ठीक है, कुर्ती पता नहीं अभी तो मैं इसको रखूँगी या नहीं रखूँगी, मैं शायद रिफंड ले लूँ, वापस कर दूँ इसको, हम देखती हूँ अभी तक। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि साइज जो मंगाता है वो नहीं देते, ये मतलब पता नहीं क्या ड्रामा है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो यही था, मैंने दो कुछ भी मंगाई थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ज़्यादा, ये वाली भी अच्छी है, मुझे रेयन कपड़ा अच्छा लगता है ज़्यादा, और कॉटन में इतना पहनना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो ये था, और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और हमारे यहाँ हमारी साइड में इधर तो नहीं मनाई जाती, तो हम लोग भी नहीं मनाते हैं, और गणपति जी की स्थापना वगैरह हमारे यहाँ नहीं करते हैं, मतलब कहीं कहीं होता है एक दो जगह, लेकिन हमारे घर में नहीं होता तो हम भी नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग सेलिब्रेट करते होंगे तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, और अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। कैसे सेलिब्रेट किया मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर ऐसा बताएंगे मुझे, और सेलिब्रेशन में वैसे भी मेरा इंटरेस्ट तो ज़्यादा ही रहता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। गाइस फिलहाल मैं हूँ किचन में और आ चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग, अब मैं बनाऊँगी खाना, खाने की तैयारी करूँगी। आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल एंड चावल। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले मैं दाल भिगो देती हूँ, कैमरे का एंगल चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। तो मैं दाल भिगो लेती हूँ अब, और कुकर लगा लेती हूँ पहले, अंदाजे से भिगो रही हूँ जितने लगे। इसको मैं धो लेती हूँ एक बार। तो दाल मैंने धो ली है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक और हल्दी, और सर इसमें सीटी लगाऊंगी, 3 सीटी लगाऊंगी मैं इसमें। डाल लेती और डालूंगी थोड़ा सा ऑयल ताकि पानी ना निकले इसका बाहर, तो डाल दिया मैंने। यहाँ लूँगी कुकर कर दूँगी बंद और डाल दूँगी इसे गैस पर उबलने के लिए, तब तक चावल भी जो है वॉश करके भिगो के रख दूँगी। ये हो जाएगी, अब 3 सीटी तक वेट करेंगे। चलिए किचन से बाहर, और मैं जा रही हूँ बैठक में, तो आ गई, बहुत गर्मी हो रही है, और अब मैं हूँ बैठक में, अंधेरा सा थोड़ा थोड़ा होने लगा है, मतलब अब दिन छिप रहा है ना, तो दाल बालूंगी और फिर उसमें छौंक लगाऊंगी, चावल बनाऊंगी, और छात होती है मट्ठा, दही की छाछ बोलते हैं जिसे, तो वो ही है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अरहर की दाल, मतलब मेरी फेवरेट है, और घर में पसंद भी सिर्फ मुझे ही है, और कोई भी किसी को इतनी पसंद नहीं, ऐसा नहीं है खाते नहीं है, खा लेते हैं। तो सिंपल सा ही खाना है, बिल्कुल हल्का खाना है,
और कुछ लोगों के यहाँ पे मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि चावल शाम को नहीं खाने चाहिए, लेकिन हम शुरू से ही खा लेते हैं तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खा नहीं सकते, तो बस यही है। और अभी आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये था बाहर का व्यू और मम्मी है रेडी बाहर जाने के लिए, कुछ काम है मम्मी को। हाँ तो बस फिर से किचन में ही मिलूँगी आप लोगों से, थोड़ी देर में जाऊँगी घूमने। तो गाइस ये कट चुके हैं, इस कटोरे को हटा लो, ये कटे हुए प्याज और ये टमाटर हरी मिर्ची, और ये पानी रख दिया मैंने उबलने के लिए चावल के लिए। इसमें डालूंगी मैं, डालूंगी नहीं, डाल दिया मैंने, इसमें थोड़ा सा नींबू डाला है और एक चम्मच घी बस, और कुछ नहीं। अब इसे ढक दूंगी जब ये हो जाएगा चावल, ये भी हो रखे हैं, फिर ये डाल दूंगी और बस यही है। तो चलिए गाइस चावल मैंने छोड़ दिए हैं और ये हो जाएंगे, उबाल आ गया था जब पानी में तब मैंने चावल छोड़े हैं, और अब मैं इधर दाल छोड़ूंगी, इधर चावल बन जाएंगे। तो पैन में डाल लेती हूँ ऑयल, फिर डालूंगी जीरा, जीरा डाल रही हूँ, प्याज हमारे भुन गया, मैं डालूंगी इसमें टमाटर और हरी मिर्ची जो मैंने काट के रखी है, मिला लेंगे। इसमें डाल दूंगी नमक थोड़ा सा, टमाटर भी डुबल जाए। गैस को थोड़ा लो कर दो, जब चावल देख लेती हूँ चावल होने लग रहा है। तो ये तो हो गया, अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, देखो थोड़ी सी और लाल मिर्च, मसालों को पकने देंगे मतलब भूनने देंगे, चावल देख लेती हूँ। और ये देखिए
मसाला तो भुन गया है, अब मैं इसमें दाल डालूंगी। गैस पर रख देती हूँ कुकर। मिला लेंगे इसको और इसमें उबाल लाएंगे हम थोड़ा सा। तो मैं पास से दिखा देती हूँ आपको दाल का कलर। ये देखिए दाल का कलर कितना अच्छा आया, बहुत टेस्टी दाल बनी है। सच में मेरा मन कर रहा अभी खा लूँ, लेकिन मैं पहले घूम के आऊँगी और तब खाऊंगी। ये चावल पकने लग रहा है और ये दाल देख सकते हो आप। तो बस खाना तो अब रेडी हो जाएगा, तो मिलती हूँ आपसे घूमने के बाद। अब मैं घूमने जाऊंगी बस चावल का पानी निकालने के बाद। गाइस मैं छत पर आई हूँ घूमने के लिए। मैं आप लोगों को छत का नज़ारा दिखा रही हूँ। इतना क्लियर इमेज तो है नहीं, लेकिन देखिए आप बादल कैसे हो रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा है, काले काले बादल हो रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पे काला काला दिख रहा है ना, ये सब बादल है और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। और वो देखिए एक तारा कितना चमक रहा है ना, ये शायद कोई ग्रह होगा, बहुत ज़्यादा चमक रहा है ये सच में। तो अब मैं घूम लेती हूँ, घूमने के बाद नीचे जाऊँगी जल्दी जल्दी और अपना फेवरेट खाना खाऊँगी। तो चलिए घूमने के बाद आप लोगों से नीचे जाके मिलूँगी। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा खाना, चावल और दाल जिसमें घी डला हुआ है बहुत सारा। तो ये है और ये अच्छा। तो बस बहुत ही यम्मी लग रहा है, मतलब मुँह में पानी आ रहा है, बस अब खाऊंगी मैं भी। तो गाइज खाना वगैरह हमारा हो गया है और अब टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 हो रहे हैं और मैं जो है मैंने खाना खाया, फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए, किचन का काम किया, किचन साफ़ करी और अब बस बैठ के एडिटिंग करूँगी, बस यही है अभी तो। और ये वीडियो जो है 2 दिन बाद जाएगी, गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद जाएगी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा लेट विश करूँगी, लेकिन क्योंकि ऐसा है ना, मेरे पास वीडियो एडिट करके मैं ऑलरेडी रखती हूँ तो वही डालूँगी पहले, फिर ये जाएगी, तो थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी। बट विश ज़रूर करूँगी आप लोगों को और एक बार फिर विश कर देती हूँ गणेश चतुर्थी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन अच्छा रहा हो, आपने बहुत मज़े किए हो। और बस यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करोगे, और वैसे भी आप लोगों का अप्रिशिएशन अगर मिलेगा तो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगी। और तब तक के लिए आप कुछ मत करिए और मज़े करिए घर में, और अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। और कल फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।